हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये टॉपिक वेस्ट बंगाल मकाउत यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस का टॉपिक है। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस पल्स विद मॉड्यूलेशन, हम सभी ने इन्वर्टर टॉपिक को कवर किया था प्रीवियस वीडियोज़ में। जो पावर कन्वर्टर से रिलेटेड वीडियोज़ चैनल पे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में अलग से। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो सिंगल फेस इन्वर्टर्स हैं उनका जब वर्किंग हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ठीक है, इन्वर्टर जो कि डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वो जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमें मिलती है स्क्वायर वेवफॉर्म नेचर का। ठीक है, स्क्वायर वेवफॉर्म यानी कि कुछ इस तरह का वेवफॉर्म हमें आउटपुट पे मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन सी दिस इज अ वेवफॉर्म विच हैज़ ए नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग। ठीक है, क्योंकि हर एक हाफ साइकिल के बाद इसका पोलैरिटी रिवर्स होता है। लेकिन इस वेवफॉर्म के अपने खुद के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो आउटपुट हमें मिलता है इन्वर्टर्स का वो एकदम फिक्स है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इनपुट हम एक इन्वर्टर को देते हैं वो एक कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई होती है। तो आउटपुट पर ड्यू टू द स्विचिंग ऑफ द स्विचेज ऑफ द इन्वर्टर्स हमें जो आउटपुट पर वेवफॉर्म मिलती है वो एकदम फिक्स है, दैट इज़ कम्प्लीटली अनकंट्रोल्ड। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो भी आउटपुट वोल्टेजेस हमें मिल रही हैं उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स, राइट। एज यू नो कि जो 50 हर्ट्ज का कंपोनेंट है वो हमारे लिए काम का होता है, दैट इज़ ए प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म कंपोनेंट। उसके अलावा जितने भी अदर देन 50 हर्ट्ज कंपोनेंट्स हैं, लाइक वी हैव 150 हर्ट्ज दैट इज थर्ड हार्मोनिक, वी हैव सम अदर हार्मोनिक्स जो कि ऑड हार्मोनिक्स है। तो इस स्क्वायर वेवफॉर्म में ज़्यादातर जो हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं वो ऑड हार्मोनिक्स इन नेचर होते हैं। इसको अगर हम कर्व पे प्लॉट करें तो हमारे पास एक कर्व है यहाँ पर, ये हमें हॉरिजॉन्टल पर बताता है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स क्या है। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पर हमें बताता है हार्मोनिक फैक्टर, राइट। तो ये हमारा है 0, 1, 3, 5, 7, 9 and so on। ये हमारे हार्मोनिक ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 50 हर्ट्ज कंपोनेंट, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, एंड देन हियर वी हैव द हार्मोनिक फैक्टर लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। सो इफ यू प्लॉट द हार्मोनिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्क्वायर वेव इन्वर्टर, तो द थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इज द हाइएस्ट वन, दैट इज हैविंग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.3, 0.4 इन बिटवीन समवेयर। एंड देन करस्पॉन्डिंगली जितने भी आगे के हारमोनिक्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। फिफ्थ हारमोनिक इज स्लाइटली लेसर देन द थर्ड वन लाइक दिस, सेवन्थ हारमोनिक सम मोर लेसर देन दिस, नाइन्थ हारमोनिक लेस देन दिस एंड सो ऑन। ठीक है, इट विल गो अप टू मैनी वैल्यूज ऑफ द हारमोनिक्स, राइट। तो द आर एम एस वैल्यू ऑफ nth हारमोनिक जो हमें मिलती है, आर एम एस वैल्यू ऑफ nth हारमोनिक, वो हम निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला वी एन इज इक्वल्स टू 4V अपॉन n पाए अंडर रूट 2, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग n का डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करें, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़ का अगर कंपोनेंट निकालते हैं तो यहाँ पर हमें V1 का वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है 4V अपॉन पाई अंडर रूट 2, दैट इज 0.9 वोल्ट। ठीक है, तो आउट ऑफ 100% अप्रॉक्सीमेटली 90% इज द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, एंड द रेशियो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोनिक फैक्टर की वो है V1 अपॉन V, दैट इज 0.9, राइट। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक निकालते हैं तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली n इक्वल्स टू 3 के लिए वी गेट V3 इज इक्वल्स टू रेशियो, दिस इज नॉट V3, द रेशियो दैट इज V3 अपॉन V इज इक्वल्स टू 0.333 V1। सिमिलरली फॉर V5 वी हैव 0.2, वी हैव V7 अपॉन V1 दैट इज 0.143 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोग इसको जितना चाहे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, what should be done to reduce these harmonics from the output waveform of the inverter? There is a very known technique called pulse width modulation. ठीक है, तो pulse width modulation technique का use किया जाता है harmonics को reduce करने के लिए। Pulse width modulation कई type की होती हैं, जिसमें number one है हमारे पास single pulse width modulation, single pulse width modulation, it is called SPWM। दूसरा है हमारे पास
मल्टी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन दैट इज MPWM. तीसरा हमारे पास है साइनसोइडल PWM, ठीक है. एंड द फोर्थ वन वी हैव मॉडिफाइड साइनसोइडल, ठीक है. साइनसोइडल में भी हमारे पास दो टाइप का है, एक सिंपल साइनसोइडल PWM है और एक मॉडिफाइड साइनसोइडल PWM है, ठीक है. तो यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में दिया गया है मकाउथ यूनिवर्सिटी के, वो है साइनसोइडल PWM मॉड्यूलेशन क्या है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट इज साइनसोइडल PWM, नॉट डिस्कसिंग सिंगल PWM एंड मल्टीपल्स PWM पल्स विड मॉड्यूलेशन. इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना है कि PWM टेक्निक है क्या, पल्स विड मॉड्यूलेशन होता कैसे है, क्या करते हैं पल्स विड मॉड्यूलेशन में. तो यहाँ पर पल्स विड मॉड्यूलेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हमें कुछ पल्सेस को प्रोड्यूस करना है थायरिस्टर्स को ट्रिगर करने के लिए. एज यू नो कि हमारे पास जो इन्वर्टर है उसके जो स्विचेस हैं, उन स्विचेस को अगर हम नॉर्मली गेट पल्स दे करके ट्रिगर करते हैं तो हमें एक स्क्वायर वेव मिलती है. लेकिन अगर हम उस ट्रिगरिंग सिग्नल को कंट्रोल कर पाएँ समाहूँ तो हमें जो आउटपुट है वो चेंज होके मिल सकता है. तो जो कॉन्सेप्ट है पल्स विड मॉड्यूलेशन का, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक कंपैरेटर होता है, ठीक है. उस कंपैरेटर में हम लोग दो इनपुट्स देते हैं. एक इनपुट हमारा होता है कैरियर वेव, ठीक है. कैरियर वेव वो वेव है जिसके बेसिस पर हम लोग काम करने वाले हैं. जैसे हम लोग अगर सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें सिंगल पल्स के बेसिस पर मिलेगा. अगर मल्टीपल्स दे रहे हैं तो यहाँ कैरियर वेव मल्टीपल पल्स होगी. और दूसरी हमारी जो होती है वो रेफरेंस वेव होती है. रेफरेंस वेव इज़ बेसिकली कॉन्स्टेंट वन स्क्वायर वेव, ठीक है. ये स्क्वायर वेव है और ये हमारी ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है. ट्रायंगुलर वेव और रेफरेंस वेव को, स्क्वायर वेव को कंपेयर करते हुए हम लोग ट्रिगर पल्स जनरेटर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है. और यहाँ से हमें आउटपुट पर जो मिलती हैं वो ट्रिगरिंग पल्सेस मिलती हैं जो थायरिस्टर्स को जाती हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये एक एक्सिस है. इस एक्सिस पर हमने एक स्क्वायर वेव फॉर्म लिया जो कि आउटपुट है, ठीक है. ये हमारा एक स्क्वायर वेव है, ये रेफरेंस सिग्नल है, रेफरेंस वेव. इसके बाद ट्रायंगुलर वेव हमें लेनी है, तो ये हमारा हाफ साइकिल है. तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वेव लेंगे इस तरह से. दिस इज़ द ट्रायंगुलर वेव सिग्नल लाइक दिस, ठीक है. ये हमारा ट्रायंगुलर वेव है जिसको हम लोग करियर वेव बोल रहे हैं, राइट. तो करियर वेव और ट्रायंगुलर वेव दोनों को हमें करना है कंपेयर. कंपेयर कैसे करना है, दिस इज़ अवर पॉजिटिव सिग्नल, दिस इज़ अवर नेगेटिव सिग्नल. तो बेसिकली हमें रेफरेंस वेव में से, स्क्वायर वेव में से ट्रायंगुलर वेव को माइनस करना है. जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करके हमें कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है. हमारे पास जो रेफरेंस सिग्नल है वो स्क्वायर वेव है, तो जहां पर भी स्क्वायर वेव पॉजिटिव होगा वहां पर हमें पल्स मिलेगी. तो इन दिस केस आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो स्क्वायर वेव है वो ग्रेटर हो गया है और वो ग्रेटर है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक. तो यहां पर आपको जो एक सिग्नल मिलने वाला है वो सिग्नल इतने विड्थ का मिलने वाला है. इसी तरह से दूसरे हाफ में आप देखेंगे तो ये वाले जो टाइम इंस्टेंसेस हैं, इन टाइम इंस्टेंसेस के बीच में आपको मिलने वाला है एक दूसरा सिग्नल जो नेगेटिव हाफ के लिए मिलेगा. अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ आसानी से कंट्रोल की जा सकती है इन दोनों वेवफॉर्म्स के लेवल्स को घटा बढ़ा के. आप जितना ज़्यादा इन लेवल्स को कम ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कंपेरेटर की हेल्प से आपको विड्थ मिलेगी. अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाफ साइकिल में एक ही विड्थ जनरेट हुई है, तो दिस इज़ SPWM सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन. इसी तरह से अगर आप एक ट्रायंगुलर वेव की जगह पर मल्टीपल ट्रायंगुलर वेव ले लेते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ग्रीन कलर से बनाऊं तो मैं इसको कुछ ऐसा ले लूं. दिस इज़ मल्टीपल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है. इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल पल्सेस जनरेट होंगी. जितने टाइम पीरियड में जहाँ जहाँ पर भी हमारा सिग्नल ग्रेटर होगा उतने टाइम के लिए ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये प्रोड्यूस होंगी, पल्सेस प्रोड्यूस होंगी और आपका जो आउटपुट है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली अवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर हैविंग लेस हार्मोनिक्स. हमें जो है हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स को रिड्यूस करना है. तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि हमारा PWM टेक्निक बेसिकली क्या है. सेम इसी मेथड में आगे बढ़ते हुए अगर हम साइनसोइडल PWM को कंसीडर करें जो हमारा मेन फोकस एरिया है, तो साइन PWM को कैसे अचीव करना है. अगेन वी हैव ए कंपैरेटर हियर. कंपैरेटर में हमने कौन कौन सी वेवफॉर्म डाली है, हमारे पास एक
रेफरेंस सिग्नल है, दूसरा हमारे पास एक करियर वेव फॉर्म है, ठीक है। करियर वेव फॉर्म हमारे पास ट्रायंगुलर नेचर की है और रेफरेंस सिग्नल हमारे पास साइनोसोइडल वेव फॉर्म है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास जो रेफरेंस सिग्नल है वो पॉजिटिव है, जो करियर वेव फॉर्म है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी साइनोसोइडल वेव फॉर्म ग्रेटर होगा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म से, वहाँ हमें पल्स मिलने वाली है। और दूसरा एडवांटेज साइनोसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ये है कि क्योंकि साइनोसोइडल वेव फॉर्म एक साइन नेचर का है, तो आपको जो पल्स की विड्थ होगी वो कांस्टेंट नहीं मिलेगी, अनलाइक इन द प्रीवियस केसेस जो SPWM में या MPWM में आपको मिलती है, वहाँ पर आपका फिक्स है पल्स का विड्थ, उतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पल्स का विड्थ भी चेंज होगा, ठीक है। तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है और वो कैसा दिखेगा, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम है। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक रेफरेंस सिग्नल लिया है जो हमारा साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, एक करियर सिग्नल लिया है जो एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, दोनों को हमने कंपैरेटर में डाला। जहाँ पर भी हमने कंपैरेटर में डाला है वहाँ पर आपको जिस जिस पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में साइनोसोइडल वेव फॉर्म ग्रेटर मिल रही है वहाँ पर आपको पल्स मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो सिग्नल है साइनोसोइडल वो ग्रेटर है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, तो नीचे आप देखेंगे उतने ही टाइम पीरियड की एक पल्स यहाँ पे जनरेट हो गई है। एंड सिमिलरली इन ऑल द इंस्टेंसेस वेयर एवर द साइनोसोइडल वेव फॉर्म इज ग्रेटर देन द ट्राइंगुलर वेव, वी आर हैविंग ए पल्स हेयर। सो द विड्थ ऑफ पल्सेज इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ क्लियरली सीन। अलग अलग जो विड्स की पल्सेज हैं वो आपको मिल रही हैं, जो आपके थायरिस्टर्स को टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो इस डायग्राम के साथ साथ ये वेवफॉर्म बनाना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ दिस टेक्निक। इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में आपके पास ये जो पल्सेज मिल रही हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये पल्सेज आपके दो स्विचेस के लिए हैं, दिस इज़ S1 एंड S2, दो स्विचेस हमारे पास हैं। और ये जो दूसरे वाले जो सेट ऑफ वेवफॉर्म्स आपको पल्सेस मिल रही हैं जो नेगेटिव साइकिल के लिए आपके पास हैं, ये बाकी के दो जो स्विचेस हैं दैट इज़ S3 एंड S4, इन दोनों स्विचेस के लिए ये ट्रिगर करने का काम करेंगी, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपका इसी नेचर का होगा, जो ये वेवफॉर्म बनी है, दिस नेचर ऑफ वेवफॉर्म, दिस वेवफॉर्म इज़ बेसिकली फॉर द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर जो वेवफॉर्म बनी है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह की पल्सेज आप बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको बताना है कि स्विचेज 1 और 2 के लिए कौन सी पल्सेज जनरेट हुई हैं, तो दिस इज़ ट्रिगर वेवफॉर्म फॉर IG1 एंड IG2। आप बिल्कुल सेम वेवफॉर्म इन्हीं इंस्टेंसेस को नीचे प्लॉट करके, ये आपका हाफ साइकिल है और एज इट इज़ नीचे आप इनको कॉपी कर सकते हैं, दिस इज़ हेयर 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 एंड सो ऑन, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे ला के प्लॉट कीजिए, तो दिस इज़ फॉर IG1 एंड IG2। और दूसरा वेवफॉर्म आप बनाएंगे IG3 एंड IG4, द गेट पल्स फॉर Switch 3 एंड Switch 4। हाफ साइकिल तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि Switch 3 एंड Switch 4 शुड रिमेन क्लोज फॉर दिस टाइम पीरियड। एंड हाफ साइकिल के बाद जो पल्सेज मिलेंगी वो पल्सेज आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगी इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको आप नीचे प्लॉट करके आएंगे, आपको यहाँ पर एक वेव फॉर्म मिलेगा इस तरह का, एंड यहाँ पर आप इसको प्लॉट करके आएंगे तो आपको एक वेव फॉर्म यहाँ पर ये वाला मिलेगा। तो दीज आर द ट्रिगर वेव फॉर्म्स फॉर IG3 एंड IG4। तो यू कैन प्लॉट दीज ट्रिगर वेव फॉर्म्स टू डेमोन्स्ट्रेट इन ए वेरी क्लियर वे, ठीक है। आपकी यहाँ पर टोटल 4 वेव फॉर्म्स हो जाएंगी, एक आपका एक कंपेरेटर का वेव फॉर्म है, उसके बाद एक Switch 1 और Switch 2 का वेव फॉर्म है, देन Switch 3 एंड Switch 4 का वेव फॉर्म है, एंड देन फाइनली दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द इन्वर्टर, ठीक है। ये सब आपको कॉपी में बना लेना चाहिए। नाउ अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालाइज किया जाए तो लेट अस से द FC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल एंड FR इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी करियर पल्सेस पर साइकिल मिलेंगी, करियर पल्सेस पर साइकिल, दैट विल बी इक्वल्स टू MFC/2FR, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी नंबर ऑफ पल्सेज आपको जनरेट करनी है वो सीधे सीधे आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस सिग्नल के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था कि आप इनके लेवल्स को या इनके नंबर ऑफ साइकिल्स को आप चेंज कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ पल्सेज
मिलना शुरू हो जाएंगी. देन टोटल नंबर ऑफ पल्सेस इन ईच हाफ साइकिल शुड बी इक्वल्स टू एफ सी अपॉन टू एफ आर माइनस वन, दैट इज एम माइनस वन. ठीक है, एक पल्स कम द वैल्यू ऑफ एम से आपको टोटल नंबर ऑफ पल्सेज यहाँ पे मिल जाएंगी. ठीक है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए आर अपॉन ए सी. राइट, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही एक ऐसा टर्म है यहाँ पर मॉड्यूलेशन पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक में, जो आपके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है एंड हार्मोनिक कंटेंट को कंट्रोल करता है. राइट, तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स. राइट, नाउ व्हाट शुड बी द आउटपुट वेव फॉर्म, व्हाट शुड बी द आउटपुट फंक्शन ऑफ द वेव फॉर्म, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन ऑफ वी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल वी समेशन ऑफ एम इज इक्वल्स टू 1 टू 2 पी डी एम अपॉन पाई का स्क्वायर रूट. यहाँ पे जो डी एम है दैट इज इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ एमएथ पल्स. ठीक है, और बाकी सारी क्वांटिटीज हमें पता हैं. राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आउटपुट फंक्शन. ठीक है, अगर आपको ये ज़रूरी लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो आप इसको लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ तक बेसिक में बता के ये सब फिगर्स और ये सब वेवफॉर्म्स बना करके बता सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ साइन पीडब्ल्यूएम. पहला एडवांटेज है हमारा कि ऑल हार्मोनिक्स आर रिमूव्ड, जितने भी हार्मोनिक्स हैं वो यहाँ से लगभग रिमूव हो जाते हैं. दूसरा जो है, जो साइनसोइडल पीडब्ल्यूएम मेथड है वो बिल्कुल सिंगल पीडब्ल्यूएम की तरह से ही काम करती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिंगल वेव फॉर्म को कंसिडर करते हुए निकाल रहे हैं. तो जो साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन है वो बिल्कुल इक्वल है एसपीडब्ल्यूएम के. ये दूसरा यहाँ पर मेथड है, एडवांटेज है. तीसरा हमारा ये है कि कोई भी एडिशनल फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडिशनल फिल्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, नो एडिशनल फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड. राइट, ये कुछ एडवांटेज हैं इसके. अब डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होंगे. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, द डिसएडवांटेजेस आर, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि जितनी ज़्यादा पल्सेज हम जनरेट करेंगे उतनी बार हमारे जो स्विचेज हैं वो ऑन ऑफ होंगे, और जितनी बार वो ऑन ऑफ होंगे उतनी बार हमारे जो स्विचिंग लॉसेज हैं वो इंक्रीज होंगे. राइट, तो स्विचिंग लॉसेज आर मोर फॉर मोर नंबर ऑफ पल्सेस पर साइकिल. ये एक सबसे पहला डिसएडवांटेज है. दूसरा यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, फंडामेंटल कंपोनेंट उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि जो यूजफुल कंपोनेंट होता है उसको फंडामेंटल कंपोनेंट कहते हैं. उस फंडामेंटल कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो लगभग 70% ऑफ डीसी सप्लाई के बराबर होता है, यानी कि जो आपको यूजफुल कंपोनेंट यहाँ पर मिलता है दैट इज हार्डली इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स और 70% ऑफ द डीसी सप्लाई. तो दीज आर द सम मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन. राइट, तो आई होप द टॉपिक इज ब्रीफली कवर्ड एंड आपको यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए. ये एक इकलौता टॉपिक था जो पावर कन्वर्टर्स चैप्टर के अंदर मिसिंग था अभी तक, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका समझने का रिक्वेस्ट किया, तो मैंने इसको कवर किया है आज. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए इस चैनल से. थैंक यू.